हेलो दोस्तों, निखिल जाने किचन में आपका स्वागत है। और आज मैंने बनाया है काले चने का चाट। तो ये काले चने का चाट हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपको बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ घर पे फटाफट बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं काले चने का चाट। उसके लिए मैंने चने ले लिए और कुकर ले लेना। कुकर में इस भिगाए हुए चने को आपको डाल देना है और इसमें फिर पानी डालने का है। तो चने को रात को भिगा देने का है और पानी डाल देने का है। और पानी डाल के हमारे को कुकर में कम से कम 4 से 5 सीटी बजानी है और उसके बाद भाई चने हमारे पक के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए सीटी में ये 1 सीटी हो चुकी, 2 सीटी हो चुकी है, 3 सीटी के बाद मैंने कुकर को खोल लिया है। कुकर ठंडा होने के बाद ही खोलिएगा। और ये भाई गरम गरम चने निकल गए हैं, बिल्कुल बहुत मजा आता है चने। और जब आप चने को बॉईल करें उस समय आप नमक जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया हुआ है, ऑयल के अंदर अपना जीरा ले लीजिए आप। और इसमें हरी मिर्ची भी आप अगर खाते हो तो हरी मिर्ची भी आप डाल सकते हो। इसमें हींग डाल दी मैंने इसके अंदर। और हींग डालने के बाद मैंने चने को डाल दिया। तो थोड़ा सा हम चने को शैलो फ्राई कर लेंगे और ये शैलो फ्राई करने के बाद चने हमारे रेडी हो जाएंगे। देखिए थोड़ा शैलो फ्राई कर लेने का, उसके बाद में हमारे क्या करने का, चाट मसाला लेने का, काला नमक लेने का और खड़ा धनिया लेने का है। ये सबको हमारे को थोड़ा गरम मसाला भी इसमें डाल दो तो ये चने के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और ये हमारा बनके भाई चना चाट बनके ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। और इसके बाद हमने जो गरम गरम चने को बना लिया है, इसके बाद हम एक बाउल में ले लेंगे चने को। इसमें कटा हुआ प्याज और टमाटर ये सब इसमें पड़ेगा, थोड़ा सा खड़ी मिर्ची और हरा धनिया और ये लेमन जूस। तो इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये थोड़ा सा हमने सॉल्ट बिल्कुल थोड़ा सा डालना क्योंकि पहले हमने सॉल्ट डाला हुआ था। ये चना चाट बन के रेडी हो गया है, हेल्दी है। आप शाम को खा सकते हो, सुबह खा सकते हो, नाश्ता स्किप करके इसको ले सकते हो। और ये दिन भर हमारे को तंदुरुस्त रखेगा, दिन भर आपको ताकत देगा और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, प्रोटीन भी मिल जाता है। तो ये डिश आपको पसंद डेफिनेटली आने वाली है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जैसे नई नई डिश की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।